some of the highlights of what Arvind Kejriwal said at Kejri Leaks Part 4. एक मन में प्रश्न उठता है कि भाई 700 में से 100 सवा सौ लोगों की रेडी हुई, बाकियों की रेडी की हुई इनकम टैक्स किस बेसिस पे? उस टाइम प्रणब मुखर्जी साहब थे वित्त मंत्री, प्रणब मुखर्जी साहब ने किस बेसिस पे तय किया कि इनके यहां रेड करवानी है और इनके यहां रेड नहीं करवानी, ये किस बेसिस पे तय हुआ? ये तो उनको जवाब देना पड़ेगा। दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर मोर देन सफिशियंट टू इमीडिएटली अरेस्ट एचएसबीसी ऑफिसर्स। उनको गिरफ्तार तो करो, हिम्मत तो लाओ। क्या भारत सरकार गिड़गिड़ा रही है इन सब लोगों, इन सब अपराधियों के सामने? क्या भारत सरकार बिल्कुल निकम्मी हो गई है कि अपराधियों के सामने जाके उनसे गिड़गिड़ाएगी? नो, आई हैव नॉट, आई डोंट हैव द एंटायर शीट। ओके, हां, यू हैव दीस नेम्स इन द नेक्स्ट। थैंक यू, थैंक यू। एंड वी हैव वेरीफाइड इट फ्रॉम मेनी सोर्सेस बिकॉज दिस इज अ वेरी सीरियस एलिगेशन वी आर मेकिंग टुडे, सो वी आर मेकिंग इट विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा है क्या बताया जा रहा है? शायद प्रणब मुखर्जी साहब ने संसद में एक स्टेटमेंट दिया था कि जो लिस्ट आई है 700 लोगों की, उसमें कोई भी सांसद नहीं है, ऐसा याद आ रहा है आप लोगों को? ऐसा बताया कुछ पत्रकारों ने। तो अगर प्रणब मुखर्जी साहब ने ऐसा कहा था तो गलत कहा था, क्योंकि अनु टंडन तो एक सांसद हैं, तो सांसदों के नाम है इसमें।